दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुरी औरत की पहचान कैसे करनी है। याद रहे ये वीडियो मेरी तमाम बहनों के लिए नहीं है, बल्कि उन चंद मखसूस औरतों के लिए है जिनकी वजह से हमारा मुआशरा दिन ब दिन ख़राब हो रहा है और जिनकी वजह से बुराई और बेहयाई बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों बुरी औरत की पहली निशानी ये है कि वो अपने जिस्म को मुकम्मल डांप कर नहीं रखेगी, यानी ऐसा लिबास ज़ेब तन करेगी जिससे उसके जिस्म के मखसूस अज़ा वाज़ेह होंगे। दूसरी निशानी ये है कि वो अपने खावंद की नाफरमान होगी, उसकी कोई बात नहीं मानेगी, उसकी कमाई से ज़्यादा खर्च उससे जानबूझकर मांगेगी, हर वक्त बनाओ सिंगार में लगी रहेगी और खावंद की अच्छे से खिदमत भी नहीं करेगी। बुरी औरत की तीसरी निशानी ये है कि वो बदज़बान होगी, यानी वो दूसरों की बात काट कर अपनी बात करेगी। दोस्तों बुरी औरत की चौथी निशानी ये है कि वो गैर मर्दों के सामने अपने बालों और अपने जिस्म की नुमाइश करेगी। बुरी औरत की पांचवी निशानी ये है कि वो खानदान भर में खुद को अक्लमंद समझेगी। बुरी औरत की छठी निशानी ये है कि उसे हर वक्त नींद की पड़ी रहेगी, उसे शोहर अगर काम कहेगा तो वो अक्सर नींद का बहाना करके काम से जीत चुराएगी, नींद उसे सबसे ज़्यादा अजीज होगी। बुरी औरत की सातवीं निशानी ये है कि उसकी आवाज़ हमेशा बुलंद होगी, यानी वो कभी भी आहिस्ता बात नहीं करेगी बल्कि ऊंची आवाज़ में गरूर से बात करेगी। बुरी औरत की आठवीं निशानी है कि वो तंग और चुस्त कपड़े पहनने की शौकीन होगी जिनसे वो आसानी से जिस्म की नुमाइश करेगी। दोस्तों बुरी औरत की नौवीं निशानी है कि वो खावंद की बात पर अपनी बात को तरजीह देगी, यानी खुद को अक्लमंद और दाना समझेगी। दोस्तों बुरी औरत की दसवीं और आखिरी निशानी ये है कि उसकी ज़बान पर हर वक्त शिकवा शिकायत होंगी और वो हमेशा खावंद की बुराई करेगी और ज़्यादातर खावंद की मर्ज़ी के खिलाफ ही काम